हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह आपका एक बार फिर टॉप 10 क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बच्चों आपका रासायनिक बलगत की देखा था, आज बच्चों हम आपका मॉडल सेट फर्स्ट आपका बच्चों आज हम आपका मॉडल सेट पहला लेकर आए हैं बच्चों, इसको हम आपका सॉल्व करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले बच्चों हमें आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा, और बहुविकल्पी में बच्चों आपको पांच क्वेश्चन मिलेंगे, और पांचों क्वेश्चन बच्चों आपके कहाँ से होंगे, एक तो बच्चों आपका सॉलिड स्टेट से होगा, और एक विलयन से होगा, और एक वैद्युत रसायन से होगा, और एक बच्चों आपका रासायनिक बलगतिकी से होगा, और बच्चों एक आपका कोलाइडर से होगा, और एक बच्चों आपका पी ब्लॉक से होगा। तो आइए हम बहुविकल्पी क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों हमें क्या करना है, तो क्या कर रहा है बच्चों आओ देखें। तो बच्चों इसे पूछा है फ्रैंकल और शॉटकी दोष, फ्रैंकल और शॉटकी दोष दोनों किस में पाया जाता है बच्चों। तो स्टार्टिंग में हम आपका लेक्चर दे रहे थे तो आपको हमने बताया था कि बच्चों क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष, फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष किसमें पाया जाता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिया है आपका NaCl, KCl, CSCl और AgBr। तो बच्चों आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, NaCl, KCl, CSCl और बच्चों आपका है AgBr। तो बच्चों फ्रैंकल और शॉटकी दोष किसमें पाया जाता है, AgBr में, सिल्वर ब्रोमाइड में। तो इसका जो आंसर निकल गया है बच्चों, तो इसका जो सॉल्यूशन निकल गया है बच्चों वो क्या रहा बच्चों, आई वी फोर्थ आपका सही होगा, वह क्या होगा बच्चों, AgBr होगा। और AgBr में बच्चों दोनों दोष क्यों पाया जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका Ag प्लस और Br माइनस के आकार में न तो बहुत ज़्यादा अंतर होता है और न तो इनके आकार बच्चों एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए इनमें दोनों दोष बच्चों आपके पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका हम खा लेते हैं, खा क्या कह रहा है। तो बच्चों इसमें कहा है खा, ये बच्चों आपका क्या है और ये बच्चों आपका क्या है, खा है। तो इसमें कहा है बच्चों हिमांक का आवनमन, हिमांक का आवनमन समानुपाती होता है। तो हिमांक का आवनमन, तो हिमांक का आवनमन बच्चों क्या होता है, जब आप किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय डाल देते हैं तो आपका हिमांक बिंदु बच्चों क्या होता है, घट जाता है। अगर आपका हिमांक बिंदु बच्चों घट जाएगा वही क्या हिमांक आवनमन होगा। और इसके लिए बच्चों इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है, विलायक के मोल अंश पर, विलायक के मोल अंश पर बच्चों दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों, मोलर था पे, और बच्चों इन्होंने क्या दे रखा है, विलायक की विलयन की मोलरता पे बच्चों, और जो बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं बच्चों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, आपको पता है हिमांक का जो आवनमन होता है डेल्टा टीएफ, वह उसके विलयन की
मोललता की क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। तो आपका जो आंसर लगेगा बच्चों थर्ड लगेगा, क्या बच्चों, विलयन के मोललता, अर्थात जो डेल्टा टीएफ होता है बच्चों वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विलयन के मोललता के। या डेल्टा टीएफ इक्वल टू बच्चों आप क्या जानते हैं, केएफ इनटू एम। तो ये फार्मूला बच्चों आपको पता है। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बच्चों, इन्होंने बच्चों आपकी एक सेल की अभिक्रिया दे रखा है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए ई नॉट सेल बताइए। अभिक्रिया बच्चों क्या दे रखा है, जिंक प्लस कॉपर टू प्लस, यहाँ पे बच्चों एक्वस है और ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों आपका जेड एन टू प्लस में, और बच्चों यहाँ पर क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किस में, आपका ए क्यू में। तो बच्चों और यहाँ पर इन्होंने आपका जो वैल्यू दे रखा है ई नाट जेड एन टू प्लस, जेड एन में के लिए बच्चों ने रखा है माइनस 0.76 और ई नाट सी यू टू प्लस स्लैश सी यू के लिए इन्होंने रखा है बच्चों आपका प्लस 0.34। तो ये बच्चों आपके वैल्यू है, ये बताइए जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जेड एन टू प्लस में, और बच्चों कापर किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका सी यू में, सी यू टू प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, सी यू टू प्लस में। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से प्लस टू में जा रही है, मतलब क्या हो रहा है बच्चों आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। तो आप बताइए अगर आपने इसका सोल्यूशन लिखना है, अगर बच्चों आपको इसे हल करना है, तो इसके लिए बच्चों चार ऑप्शन दे रखे हैं, अगर चारों ऑप्शन आपका लिख लें तो क्या क्या बच्चों आपका 1.10 वोल्ट होगा बच्चों, और दूसरा क्या दे रखा है 0.10 वोल्ट, और तीसरा दे रखा है बच्चों -1.10 वोल्ट, और जो चौथा दे रखा है बच्चों -0.110 वोल्ट दे रखा है बच्चों। तो आपको एक फार्मूला पता है बच्चों, आपको बच्चों एक फार्मूला पढ़ रखे हैं आप सब, क्या जानते हैं बच्चों कि अगर आपको ई नाट सेल निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, ई नाट ऑक्सीडेशन और प्लस ई नाट बच्चों क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। तो आ जाइए बच्चों क्या ई नाट ऑक्सीडेशन कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये आपका रिडक्शन वैल्यू है, अगर इसका बच्चों हम आपका ई नाट जेड एन स्लैश जेड एन टू प्लस में कन्वर्ट करें तो बच्चों माइनस है ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस होगा तो माइनस, तो प्लस 0.76 हो गया बच्चों। तो यहाँ पर रखिए, तो जिंक के लिए बच्चों क्या है आपका ऑक्सीडेशन है बच्चों, क्या आएगा ई नाट जेड एन टू प्लस और प्लस ई नाट सी यू टू प्लस सी यू। तो आ जाइए बच्चों कितनी वैल्यू है बताइए, आप खुद देखकर बताइए बच्चों कितना है, प्लस 0.76, तो प्लस बच्चों 0.76 और प्लस इसके लिए कितना है बच्चों आपका
0.34 ऐड कीजिए बच्चों, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 7 3 10 11 हाथ में 1 और 1, तो ये इतना वोल्ट हो गया बच्चों। तो कहने का मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा है कि सूर्यकोट अभिक्रिया के लिए आपका इकाई क्या होगा बच्चों, वेग नितांक की इकाई क्या होगा। इन्होंने पूछ रखा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में, शून्य कोटि सूर्यकोट अभिक्रिया के लिए वेग नितांक का मात्रक। वेग नितांक का मात्रक क्या होगा बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपसे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है बच्चों मिनट इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों आपका क्या है, मिनट इनवर्स है। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, लीटर मोल इनवर्स, मिनट इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स। और बच्चों आपका क्या है, मिनट इनवर्स। और थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या है आपका, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और बच्चों मिनट इनवर्स। और जो लास्ट ऑप्शन बच्चों दे रखा है वो बीमाहीन दे रखा है बच्चों, को मतलब कह रहा है बच्चों कि आपकी सूर्यकोट अभिक्रिया के लिए जो नितांक होगा बच्चों वो कुछ भी नहीं होगा। तो आइए निकालें, तो सॉल्यूशन मींस बच्चों आपका हल। तो ठीक है बच्चों, आइए इसके लिए हम आपके नितांक के, वेग नितांक की बात करें। तो बच्चों इसके लिए आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की, चाहे प्रथम कोटि हो, चाहे शून्य कोटि हो, चाहे द्वितीय कोटि, चाहे तृतीय कोटि हो, अगर आपको मात्रक चाहिए तो ये फार्मूला ले जाइए। मात्रक किसका बच्चों, वेग नितांक का। तो इसके लिए फार्मूला क्या है बच्चों, मोल 1 - n लीटर n - 1 और बच्चों समय इनवर्स। बस बच्चों ये फार्मूला याद रखिए बस। अगर बच्चों प्रथम कोटि मिले तो n बराबर 1 रखिए, प्रथम कोटि है ना तो n बराबर 1 रखिए। अगर बच्चों प्रथम कोटि मिले तो n बराबर 1 रखिए, द्वितीय कोटि मिले तो n बराबर 2 रखिए, तृतीय कोटि मिले तो n बराबर 3 रखिए, आपका मात्रक खुद निकल कर आएगा। और बच्चों ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन, इफ यू कैन लर्न दिस फार्मूला विच इज द मोल 1 - n लीटर n - 1 एंड टाइम इनवर्स, देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द यूनिट ऑफ द आपका बच्चों वेग नितांक की क्या मात्रक होगा आप बता सकते हैं। आ जाइए, तो आपका शून्य कोटि बच्चों पूछ रखा है, तो शून्य कोटि के लिए बच्चों यम बराबर क्या होगा बच्चों, आपका 0 होगा। आ जाइए रखिए, तो वेग नितांक का मात्रक क्या होगा बच्चों, वेग नितांक का मात्रक, तो वेग नितांक का बच्चों जो मात्रक निकल कर आएगा क्या होगा आपका, मोल मोल 1 - n है बच्चों ने आपका, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, तो 1 - 0 रखिए, तो लीटर इसके लिए क्या रखिए बच्चों, 0 - 1 और समय है बच्चों तो इसे इन्वर्स कर दीजिए। आ जाइए, तो मोल लीटर इन्वर्स और बच्चों क्या हो गया आपका, समय इन्वर्स, ये क्या निकल के आया बच्चों आपका, मात्रक निकल के आया। तो देखिए इसमें कौन सा है आपका, मोल लेटर इन्वर्स और बच्चों समय इन्वर्स, तो ये है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन है। तो मतलब कहने का आपका थर्ड ऑप्शन बच्चों क्या आपका सही है। और बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे
कि कोहरे को भेदने वाली लैंप में क्या प्रयुक्त होता है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, कोहरे को भेदने वाली लैंप में हम क्या प्रयुक्त करते हैं, आपका नियान प्रयुक्त करते हैं बच्चों। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आप एंगल ले लेते हैं बच्चों, कोहरे को बेधने वाली लैंप में प्रयुक्त करते हैं। तो फर्स्ट बच्चों आपका क्या है, नियान। सेकंड क्या बच्चों आपका, हीलियम। थर्ड क्या बच्चों आपका, N2। और फोर्थ क्या है बच्चों आपका, आर्गन। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया बच्चों, कोहरे को भेदने वाली लैंप में हम क्या प्रयोग करेंगे, नियान। तो मतलब कहने का बच्चों जो आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों, फर्स्ट है आपका नियान। और बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि RNA में प्रयुक्त क्षारक है बच्चों, RNA और DNA में कौन कौन से क्षारक बच्चों प्रयुक्त होंगे, इसके विषय में आओ हम जानें। तो बच्चों चाहे आपसे RNA पूछ ले या DNA पूछ ले बच्चों, तो DNA के लिए बच्चों जानते रहिए DNA प्रयुक्त क्षारक क्या है, AC और G और बच्चों क्या आपका T। A से बच्चों क्या आता है आपका, एडिनिन होता है। C से क्या आता है बच्चों आपका, साइटोसिन होता है। G से बच्चों क्या आता है, ग्वानिन होता है। और T से बच्चों क्या आता है आपका, थायमिन होता है। तो अगर आपको बच्चों ये चारों को क्षारक मिले तो आप कहिएगा क्या है आपका DNA है। अगर यही आपका थायमिन यूरेसिल से हम रिप्लेस कर देंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, RNA हो जाएगा। आइए इसमें दिया है फर्स्ट पॉइंट एडिनिन, ग्वानिन, और बच्चों आपका क्या है, साइटोसिन। और बच्चों आपका क्या है, यूरेसिल। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, इसमें दिया है बच्चों आपका साइटोसिन, थायमिन, एडिनिन और यूरेसिल। तो बच्चों यहाँ पर एडिनिन, ग्वानिन को गायब कर दिया बच्चों, तो ग्वानिन की बजाय क्या दे दिया आपका, यूरेसिल दे दिया, यूरेसिल, साइटोसिन और बच्चों क्या आपका, थायमिन। और बच्चों अगला ऑप्शन दे दिया है आपका साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल और बच्चों क्या आपका, ग्वानिन। और बच्चों लास्ट ऑप्शन है आपका एडिनिन। ग्वानिन, साइटोसिन और बच्चों क्या आपका, यूरेसिल। तो बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसके संबंध में बच्चों आप देखिए। तो RNA में प्रयुक्त क्षारक है बच्चों ये क्या है, DNA में। अगर यही आपका थायमिन, क्या बच्चों आपका यही थायमिन हम रिप्लेस कर दे किससे, यूरेसिल से बच्चों, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, तो क्या होगा बच्चों आपका, RNA होगा।
क्या बच्चों? आरएनए। और डीएनए के बच्चों का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का बच्चों होता है आपका राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो बच्चों आरएनए में देखिए क्या है, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और बच्चों यहाँ पर देखिए थायमिन नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में यूरेसिल है। तो ये पॉइंट बच्चों आपका सही होगा, तो मतलब आंसर में बच्चों आपका क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर दो। ये तो बच्चों आपका बहुविकल्पी रहा, अब हम आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दो में बच्चों आपको चार क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, और चारों क्वेश्चन आपके दो दो नंबर के होंगे, और चारों क्वेश्चन को बच्चों आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका पहले ही चैप्टर से सॉलिड स्टेट से आएगा। तो आइए इसको देखते हैं बच्चों। आज हमारे आँख में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए हम आपके चश्मा को उपयोग कर रहे हैं। आप तो आइए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका दो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो में बच्चों का पूछा है सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता बताइए बच्चों। सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता क्या होगी? आप तो पढ़ ही चुके बच्चों सीसीपी। सीसीपी को बच्चों आपका क्या करते हैं, आपका आपने एफसीसी पढ़ा है बच्चों। सीसीपी को हम आपको क्या कहते एस एफसीसी भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं आपका एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और ये क्या है बच्चों, क्लोज्ड क्लोज्ड क्यूबिक पैकिंग होगा बच्चों आपका। तो आपका एफसीसी कोई पूछ ले बच्चों, तो एफसीसी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एफसीसी के ये या सीसीपी के ये दोनों एक ही बात है बच्चों। तो आइए इसे संकुलन क्षमता क्या होगी, आओ कैलकुलेट करें। तो आंसर तो आए बच्चों, इसका हम कैलकुलेशन करें। तो एफसीसी क्या होता है बच्चों, एफसीसी एकक कोष्ठका क्या होती है बच्चों, एफसीसी उसको हम कहते हैं अगर आपका अवयवीकरण कोनों पर उपस्थित हो बच्चों। कहाँ पर? कोनों पर। और कोनों के अलावा बच्चों प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो, प्रत्येक फलक के कहाँ बच्चों, केंद्र पर उपस्थित हो। ये बच्चों हमने पीछे दिखाया आपका, ये पीछे है और ये बच्चों आपके सामने है, और ये बच्चों प्रत्येक कोनों के अलावा कहाँ पर उपस्थित हो, प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित हो बच्चों। तो सेम क्या कहते हैं आपका, एफसीसी कहते हैं, सीसीपी कहते हैं। अब आपको निकालनी है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बच्चों क्या होती है, परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान अपान कुल स्थान, मतलब परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे कुल आयतन का जो बच्चों परसेंटेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं, पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। तो आ जाइए इसके लिए कैलकुलेट करें बच्चों। तो सबसे पहले हमने आपके सामने एक फलक को उठाकर रख दिया बच्चों। तो एक फलक है बच्चों, और इसके भी और इसके बच्चों ने कोने पर एक परमाणु को यहाँ पर रखा बच्चों, और एक परमाणु को यहाँ पर रखा, और बच्चों आपको पता है एक परमाणु कहाँ पर होगा, बीच में होगा। तो ये किसकी दशा निकली बच्चों, ये आपका एक फलक की दशा इस प्रकार से है। इस प्रकार से आपका एक बच्चों फलक है, थोड़ा मुस्कुराते भी रहिए, गाना गाते भी रहिए। तो आ जाइए बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, आपका आर ये हुआ, ये आपका क्या है परमाणु है, अब ये भी कड़े बच्चों ये गोलाकार होते हैं, आर ये हुआ बच्चों, और बच्चों आर ये हुआ, और क्या हुआ बच्चों आपका आर ये हुआ। माना बच्चों, माना भुजा की जो बच्चों लंबाई कितनी है, ए है। तो कहने का मतलब बच्चों ये जो डिस्टेंस निकली आपकी ये कितना बच्चों ए है, और ये भी बच्चों डिस्टेंस कितनी आपकी ए है। आ जाइए क्या बच्चों आपको दिख रहा है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्या बच्चों, ये 90 अंश आपको दिखा, ये क्या दिखा आपको बच्चों, एक्यूट एंगल। इट मीन्स यू कैन से हियर इज योर पाइथागोरस प्रमेय विल बी फॉलो। तो हाउ टू कैलकुलेट हियर, तो बच्चों आपका ये ए है, ए भी ए है, और ये बच्चों आपका फोर आर, आर आर धन आर आर, इस भुजा की लंबाई बच्चों क्या फोर आर हुआ,
तो ये क्या है बच्चों, आपका ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग और प्लस बच्चों आधार का वर्ग। तो थोड़ा देखिए बच्चों, तो कर्ण क्या है बच्चों, 4r निकल आया, 4r के स्क्वायर इक्वल टू बच्चों लंब क्या है बच्चों, a का स्क्वायर बच्चों, प्लस आधार क्या है बच्चों, a का स्क्वायर। तो 4 है ना बच्चों, और 4 के स्क्वायर करें तो 16 आएगा, तो 16r स्क्वायर इक्वल टू बच्चों a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a a को बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या, 16r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, अगर यहाँ से हम a निकालें, हमेशा बच्चों आप a निकाला कीजिए, हमेशा क्या निकालिए, a निकालिए। तो a निकालेंगे बच्चों, a स्क्वायर तो क्या होगा, 16r स्क्वायर अपान बच्चों 2, 2 से कटेंगे तो 8 आ गया बच्चों। तो a बराबर क्या आ गया बच्चों, 8r स्क्वायर आ गया, या तो यहाँ पर बच्चों तो बच्चों a स्क्वायर कितना, 8r स्क्वायर आ गया, ए बराबर बच्चों क्या होगा, अंडर रूट 8r स्क्वायर हो गया बच्चों। तो इसे आप बाहर निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 इंटू क्या हो गया बच्चों, r हो गया, ये a और r में रिलेशन आ गया बच्चों, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो आ जाइए, माना ये आपका है जो घन है, इसके भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों, a है, तो इसका आयतन क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा आयतन, तो आयतन कितना होगा बच्चों, आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो मतलब ए का बच्चों क्या होगा, इक्वेशन नंबर इसने क्या मान लिया आपका, 2 मान लिया। अच्छा ये बताइए बच्चों, आपका कितने परमाणु होते हैं, अगर परमाणु का योगदान देखा जाए बच्चों, परमाणु का योगदान क्या होगा बच्चों, आपके 8 परमाणु कोने पर है, और कोने पर परमाणु का योगदान 1/8 होता है, और फलक में बच्चों क्या, 6 फलक है, 6 फलक में परमाणु है, तो 6 हुए परमाणु और योगदान आधा होता है, तो 8 से 8 कैंसिल बच्चों, 2 3 6 आ गया, 1 3 बच्चों क्या हो गया, 4 परमाणु आ गया। तो ये आ गया बच्चों 4 परमाणु हैं, मतलब परमाणु कितने हैं बच्चों, 4 परमाणु हैं। तो ये तो पता चल गया बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं आपकी संकुलन क्षमता, केवल इतना ही चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, आपको ए और आर में रिलेशन चाहिए, एक समीकरण बनाइए, दूसरा समीकरण बच्चों आप आयतन बनाइए कि आयतन आपका क्या निकल रहा है, और बस बच्चों आप संकुलन क्षमता बेझिझक निकालिए। तो बच्चों आ जाइए, तो संकुलन क्षमता बराबर बच्चों क्या होता है, परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे बच्चों क्या, कुल आयतन इंटू बच्चों क्या है, परसेंटेज है, तो आप क्या लगा लिए बच्चों, 100 लगा लीजिए। आ जाइए, तो कितने परमाणु है बच्चों, 4 परमाणु से 4 लिखे, और 1 परमाणु जो आयतन घेरता है बच्चों क्या होता है, गोलाकार होता है, मतलब 4/3 πr³ होगा। तो मतलब क्या है बच्चों आपका, 4/3 πr³। आ जाइए बच्चों, कुल आयतन क्या है, a³ है ना बच्चों, a³। तो आप ही बच्चों बताइए, इसे हम इरेज करते हैं आपका, अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेनी बच्चों तो आप ले सकते हैं। तो आ जाइए बच्चों, इसे हमने आपका इरेज किया, तो क्या निकल के आ रहा है बच्चों, यहां पर आप देखिए खुद ही कि, तो क्या निकल के आ बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू क्या है बच्चों, 4 चौक कितना होगा, 16 πr³ बटे बच्चों 3 आ गया, बटे ए की वैल्यू कितना बच्चों, 2√2r है, तो रखिए 2√2r का बच्चों क्या होल क्यूब इंटू क्या आ गया बच्चों, 100 आ गया। तो आ जाइए, तो 16 है बच्चों, तो 16 वैसे ला लीजिए πr³/3, यहाँ पर बच्चों देखिए 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा बच्चों, 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया बच्चों, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 2√2 आ गया बच्चों, इंटू क्या आ गया, r³ आ गया, इंटू क्या बच्चों आपका, 100 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 8 है, 8 × 2 क्या हो गया, 16 हो गया, तो यहाँ से बच्चों 16 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, r³ से बच्चों आपको r³ कैंसिल हो गया, कितना है, π/3√2, ये बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, π/3√2 इंटू क्या बच्चों, 100 है, और पाई का मान कितना होता है बच्चों, 3.14 आपने पढ़ रखा है, कितना होता है, 3.14, तो रखिए
3.14 इंटू क्या बच्चों 100, और बच्चों यहाँ पर 3 इंटू अंडर रूट 2 का मान कितना होता है बच्चों 1.41, तो रखिए 1.41। और इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आप देखिए तो बच्चों एक सॉल्व करेंगे तो 314 आ गया बच्चों, और नीचे का 3 का 9 3, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 3 का 9 बच्चों कितना आ गया 3 आ गया। तो कितना आ गया बच्चों 3.23 आ गया बच्चों, सॉरी 4 3 12 3 का 3 बच्चों यहाँ पे 4 आएगा, 4.23 आ गया बच्चों। तो आप ही बताइए अगर इसका हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 से बच्चों 28, तो बच्चों 7 आ गया बच्चों। तो आपको याद रखिए बच्चों इससे आप सॉल्व करेंगे तो 74% आपको आ जाएगा बच्चों, तो 74 आ गया बच्चों। और आपका हमने निकाला है परसेंटेज निकाला, तो आपने क्या लिख दिया बच्चों 74% आपका लिख दिया। कहने का मतलब FCC CCP की जो संकुलन क्षमता कितनी निकली बच्चों 74% निकली, ये आपका 2 नंबर का हुआ। तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरे का है बच्चों, ये आपका लग चुका है। तो यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.4 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब बच्चों C6H12 और क्या होगा बच्चों C6H12 और O6 क्या होगा बच्चों ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का 250 मिली जल में, ये आपको जल का आयतन कितना दे दिया बच्चों ML में दे दिया। आपको पता है बच्चों कि आपका आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे। आगे चलिए देखते हैं, जल में घोल कर बच्चों 1 बिलियन बनाया गया, इसका प्रसार दाब क्या होगा बच्चों R का मान दे दिया बच्चों। तो क्या क्या दिया है आओ देखिए, तो सॉल्यूशन बच्चों आंसर, तो जो बच्चों आपका हल होगा तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों आप देख लीजिए, आप दिया है तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप, तो ताप बच्चों किस में लेते हैं कैल्विन में रहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस बच्चों क्या दिया आपका ताप दिया है। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तो किस में कैल्विन कन्वर्ट होता है बच्चों कैल्विन में, तो हमने क्या जोड़ दिया 273 जोड़ दिया बच्चों, क्या आएगा 273 कैल्विन आ गया। अब बच्चों आप देखिए कि यहाँ पर अगला क्या है 0.4 ग्राम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो अमाउंट दे दिया बच्चों इट मीन्स हियर इज WC6H12O6 वाट इज, तो हियर यू कैन से इट इज योर 0.45 ग्राम। तो वाट इज द अनदर इन योर क्वेश्चन सेइंग दैट वाट इज द वैल्यू 250 ml है बच्चों, तो 250 ml है। तो आ जाइए तो जो आपका आयतन दे दिया है बच्चों VL, तो बच्चों क्या दे 250 ml दिया है बच्चों, और इसे आप लीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा बच्चों 250 × 10⁻³ - 3 लीटर आ जाएगा बच्चों। तो अगला दिया है बच्चों 1 बिलियन बना दी, इसका परासर दाब क्या होगा, और R की वैल्यू बच्चों यहाँ पर उन्होंने दे रखा है, R की वैल्यू 0.082 कितना होगा बच्चों 1 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपको पता है फार्मूला कि परासरण दाब क्या बच्चों, जो परासरण दाब होता है कहने का मतलब जो पाई होता है बच्चों क्या होता है आपका पाई जो होता है बच्चों वह क्या होता है, वह होता है N/V RT होता है बच्चों। तो N क्या है बच्चों मोल है बच्चों, तो मोल कितना है और इसे हम कैलकुलेट करके रखते हैं, मोल बराबर क्या होता है बच्चों पदार्थ का भार अपान बच्चों मोलर द्रव्यमान। तो खुद ही बचाइए बच्चों कि पदार्थ का भार कितना है ग्लूकोज का 0.45, तो रख लीजिए आप 0.45 और बटे बच्चों मोलर द्रव्यमान कितना है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या बच्चों C6 है, क्या बच्चों C6 है, तो कितने कार्बन बच्चों 6 है, और एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है बच्चों 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 12 × 1, तो हाइड्रोजन द्रव्यमान कितना 1 होता है बच्चों, तो 6 × बच्चों और एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 8 होता है, और परमाणु द्रव्यमान उसका दुगना कर दिया बच्चों कितना होगा 16 होगा, तो 12×6 72 हो गया बच्चों प्लस 12 और प्लस 16×6 37 6×8 3 और 6×9 6×6 3 9 हो गया बच्चों। तो जोड़िए 6×2 8×2 10 0 हाथ में 1 9 1 10 और 7×17 18 मतलब जो निकल के आया ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान वह निकल के आ गया बच्चों आपका 180, तो रखिए 180। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि आप काटेंगे 9 5 45 9 2 18
तो बच्चों आपका कितना आ गया 9/20 आ गया पॉइंट। तो बच्चों आपका यहाँ पर क्या आ गया, अगर आप देखेंगे तो 0.9/5 क्या आ गया बच्चों 20 आ गया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा और देखिए, तो आप बच्चों दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या आ गया 200 आ गया। और 200 का बच्चों यहाँ पर करेंगे, एक मिनट बच्चों यहाँ पर कुछ मिसिंग है आपका, वो मिसिंग क्या है ये देखिए 9/5 45 होगा बच्चों, तो यहाँ पर 5 आएगा आपका, ठीक है बस यही मिसिंग है। तो 5 × 20 आ गया बच्चों, तो कहने का मतलब आपका क्या आ गया यहाँ पर 4 आ गया बच्चों। तो इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ गया बच्चों 0.5/5 कितना आ गया बच्चों, तो 0.05/5 कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। एक मिनट हाँ बच्चों यहाँ पर एक मिसिंग है आपकी, तो पॉइंट कितना आ गया बच्चों ये 0.1 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 4 आ गया। और ये आप दशमलव को हटाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, तो कहने का मतलब 1/4 0 0 आ गया बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, हमने पॉइंट लगा दिया और पॉइंट लगाएंगे बच्चों तो आपका क्या हो गया 10 हो गया, 10 में तो जाएगा नहीं बच्चों, अब 10 में नहीं जाएगा तो हमने 1 0 और बढ़ाया तो कितना हो गया 100 हो गया, तो 100 में भी नहीं जाएगा बच्चों, तो 1 0 और बढ़ाया तो कितना हो गया आपका 1000 हो गया, तो 4 × 8 आ गया बच्चों आपका क्या 4 × 8 800 हो गया, तो 200 बचा बच्चों, तो आप 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो गया आपका 2000 हो गया, और तो 2000 हो गया बच्चों कितना आ गया 4 × 5 = 0, तो 0.0025 कितना आ गया बच्चों मोल आ गया, इतना मोल आ गया बच्चों। और इतने मोल आ गए बच्चों, और आयतन देखिए कितना है आपका, आयतन कितना दिया है बच्चों यहाँ पर दिया है, तो इसे रख लीजिए आ जाइए, तो रखिए 0.0025 / बच्चों VL, तो आयतन कितना है 250 है बच्चों × 10^-3, और R का मान कितना है बच्चों 0.0821, और T का मान बच्चों क्या 273 है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए आप, और 10 ऊपर जाएगा 10^3 तो क्या हो जाएगा बच्चों 25000 हो गया बच्चों, तो कितने अंक पे दशमलव 1 2 3 4 पे, तो 3 अंक 4 पे दशमलव लगाइए बच्चों, तो हमने 4 पे दशमलव लगाया तो कितना 2.5 आ गया बच्चों, और 2.5/250 बच्चों ये क्या है 0.0821 × 273, तो बच्चों यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या 2.5 है, क्या है बच्चों आपकी 2.5 है, और ये बच्चों आपका 2.5 आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो 2.5/250, तो बच्चों क्या है 1 0 यहाँ पर बढ़ा दीजिए और इससे आप क्या है हटा दीजिए, तो 25 सेकंड में कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया बच्चों 0.0821 आ गया बच्चों इंटू क्या 273 आ गया बच्चों। आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल कर लेंगे तो बच्चों आपका क्या आ जाएगा 100 की भाग दे रहे हैं बच्चों, 1 में आप 100 की भाग दे रहे हैं तो आपका क्या आएगा 0.01 आ गया बच्चों इंटू 0.821 × क्या आ गया 273 आ गया बच्चों। तो सॉल्व करिए, इसे आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका लगभग, तो ये आ गया बच्चों इसका आप कैलकुलेट कीजिए, तो इसके बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर करेंगे बच्चों क्या आ गया 821 आ गया, 3 अंक बच्चों यहाँ पर दशमलव और 2 अंक पर यहाँ 3 2 5, तो 0 0 बढ़ाइए बच्चों और यहाँ क्या लगाइए दशमलव लगाइए इंटू 273। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करना, मल्टीप्लाई करनी होगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके बच्चों यहाँ से आंसर आ जाएगा, इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम आपका करके बता देते हैं बच्चों, तो बच्चों इसको आप देखेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों लगभग आपका 0.224 वायुमंडल आएगा बच्चों, तो वायुमंडल क्या है बच्चों प्रेशर का मात्रक, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका ये रहा। तो अब आपका बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग क्या है, और क्वेश्चन नंबर ग बच्चों
आपको बच्चों साम्य स्थिरांक की गणना करनी है, और साम्य स्थिरांक बच्चों आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि आप कैसे नष्ट समीकरण से आप साम्य स्थिरांक की बच्चों गणना करेंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप वहाँ से कर लीजिएगा। और बच्चों यहाँ पर दिया कि सत्यापन कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का क्या होता है बच्चों, 10 गुना होता है। तो देखो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या हो एक हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धकायु का क्या होता है बच्चों, 10 गुना होता है। तो आपको पता है, हम जानते हैं कि जो वेग स्थिरांक और बच्चों आपका जो अर्ध आयु में संबंध होता है क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 0.693 अपान क्या होता है टी हाफ होता है बच्चों। ये हो गया बच्चों कि आपका क्वेश्चन नंबर एक हो गया बच्चों। और मान लिया बच्चों आपका ए पदार्थ ए किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, बी में कन्वर्ट हो रहा है, और स्टार्टिंग में टाइम टी बराबर जीरो पर बच्चों इसकी जो सांद्रता है हमने क्या मान लिया 100 मान लिया बच्चों, और इसकी सांद्रता क्या है जीरो है, इसका परसेंटेज कितना 100% आपका है ए बच्चों, पूरा का पूरा ए है। जब आपकी समय क्या बच्चों जीरो है तो बी की सांद्रता क्या होगी जीरो होगी। अगर यही आपका 99.9% आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो गई है तो मैं माना बच्चों टी बराबर टी पर, तो 100 माइनस 99.9% बच्चों आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो गई, मतलब आपकी इतने अभिकारक उत्पाद में चेंज हो गए हैं, तो क्या बच्चों यहाँ पर उत्पाद बनेगा 99.9% बच्चों आपका क्या उत्पाद में चेंज हो गए। तो ये कितना आएगा बच्चों, अगर 100 में से बच्चों 99.9 घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, दस मलो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा बच्चों। तो घटा कर एक बार देख लेते हैं हम आपका 100.0 99.9 तो 10 में से 9 के 1 बच्चों, तो 10 मलो में से 10 मलो तो यहाँ पर 10 मलो है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बच्चों 9 है, 9 में से 9 के बच्चों 0 और 9 में से 9 के बच्चों 0, तो क्या आ गया 10.1 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर जो आया बच्चों क्या आ गया आपका 10.1 आ गया। तो ये बच्चों क्या 10.1 आ गया, और इसकी मात्रा बच्चों क्या आ गई आपकी 99.9% आ गई बच्चों। अगर यहाँ पर हम आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक लिखना चाहें बच्चों, तो आपको पता है कि जो K होता है बच्चों, K क्या होता है आपका, जो आपकी K होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है बच्चों 2.303 अपान बच्चों T, अपान क्या होता है बच्चों T होता है लाग A, अपान क्या होता है बच्चों A माइनस X होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है बच्चों व्यंजक होता है कि लाभ और आपकी सांद्रता में क्या रिलेशन होता है बच्चों, इक्वेशन नंबर बच्चों इसे हमने क्या दे दिया आपका 2 दे दिया। तो बच्चों बताइए ए क्या है बच्चों, ये आपकी सांद्रता है, जहाँ पर ए क्या है बच्चों सांद्रता है, अभिकारक की स्टार्टिंग में सांद्रता है बच्चों, तो क्या है ए बराबर क्या बच्चों 0 है, और ये क्या है बच्चों कितना आपका कन्वर्ट हो चुका है 99.9% कन्वर्ट हो चुका है बच्चों, तो ए आपका जो एक्स निकला 99.9% बच्चों निकला। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप a माइनस x देखेंगे बच्चों, a माइनस x भी आपका लिख लेते हैं, अगर आपका a माइनस x देखेंगे बच्चों तो a माइनस x क्या आएगा आपको बताइए, तो a माइनस x बच्चों आप घटाएंगे तो कितना आ गया 0.1 आ गया बच्चों। तो रख लीजिए यहाँ पर, तो k इक्वल टू क्या निकला बच्चों 2.303 अपान t, अपान क्या बच्चों t निकला, लाग 100 अपान बच्चों ए माइनस एक्स क्या बच्चों 0.1 रखिए, और 0.1 रखें तो बच्चों यहाँ पर 0 बढ़ा के इसे क्या ख़त्म कर लीजिए, तो क्या निकल गया बच्चों, तो k इक्वल टू बच्चों क्या निकला आपका, k इक्वल टू 2.303 अपान बच्चों t, और ये क्या बच्चों लाग, ये क्या 1000 मतलब 10^3 निकला, और 10^3 निकला बच्चों, यहाँ पर बेस आपका 10 है, यहाँ पर बेस आपका 10 होता बच्चों। तो यहाँ पर देखिए ये 10^3 निकला, k इक्वल टू आपको पता है लाग m पावर n क्या होता है, n लाग m होता है बच्चों, तो 2.303 अपान t, और क्या बच्चों 3 लाग 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या आती है 1 होती है, तो क्या निकल के आ गया बच्चों, तो k इक्वल टू क्या आ गया बच्चों
थ्री इंटू 2.303 अपान क्या जो छुट्टी आ गया, इसी क्वेश्चन नंबर हमने क्या मान लिया, दो मान लिया। तीन है बच्चों, दो हमने यहाँ पर मान चुकी, इक्वेशन नंबर बच्चों आपका क्या है, तीन है। तो इक्वेशन एक तीन और बच्चों इक्वेशन एक क्या है, समान है। तो इक्वेशन एक व इक्वेशन तीन से बच्चों तो क्या निकलेगा बच्चे, के यहाँ पर भी है तो मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू बच्चों क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या है 0.693 अपान टी बच्चों हाफ आ गया, और ये क्या बच्चों बताइए, 3 × 2.303 अपान बच्चों क्या आ गया, टी आ गया। अब बच्चों आप देख रहे हैं, अगर बच्चों आपका हम यहाँ पर टी भेज दें तो टी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 3 × 2.303 अपान बच्चों क्या होगा, 0.693। तो तीन अंक के बाद यहाँ पर तो यहाँ आपने दसमलव को कैंसिल कर दिया, तो 3 × 3 जा कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा, और 3 का गुणा 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और 3 × 3 जा बच्चों 9, और 3 × 2 जा 6 आ गया, तो 693। तो बच्चों देखिए यहाँ पर 693 जीरो पॉइंट क्या है, 9 है और 693। अगर आप इसका भाग में तो 6 मान लीजिए बच्चों आपका क्या 6, या अगर क्या आपका 60 है लगभग बच्चों आपका ये 70। तो अगर आप इसके लिए भाग देंगे बच्चों, अगर बच्चों आपका यहाँ पर आप भाग देंगे तो लगभग क्या आएगा बच्चों, 9 लगभग बच्चों आपका 5 लगभग आएगा, और ये आएगा बच्चों, तो ये बच्चों आपने यहाँ पर भेजा, तो आप यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए कि आपका यहाँ पर टी हाफ भी रहेगा बच्चों। तो ये क्या आया बच्चों आपका लगभग क्या आ गया, इसे आप सॉल्व करेंगे तो टी कोल्ड क्या आ गया बच्चों, 9.9 कितना आया बच्चों, 5 आया, और इंटू टी हाफ आ गया, और 9.5 के निकटतम लेंगे बच्चों क्या आ जाएगा बताइए आप, 10 आ गया। तो क्या ये आपके अर्ध आयु का क्या होता है बच्चों, 10 गुना होता है, तो हाँ। तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो चुका है बच्चों, जिसमें आपके चार और चारों के चारों जिसमें से आपका एक क्या था बच्चों बहुविकल्प, सॉरी एक आपका क्या था बच्चों आपका डेरिवेशन करना था, और एक आपका ये बच्चों ये रहा, और आपके दो और बच्चों न्यूमेरिकल्स रहे। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बच्चों इसे आप लाइक कीजिएगा। आज हमारे आँखों में बच्चों दर्द था, फिर भी हमने आपके लिए वीडियो बनाया, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और बच्चों आप देखिए जिससे आपकी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप अर्जित कर सकें, और आपके टॉप 10 क्लास का नाम भी रोशन हो, आपका नाम भी बच्चों रोशन हो। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।